एचआईएल हॉकी इंडिया लीग 2013 में बहुत ही जोरों शोरों के साथ हॉकी इंडिया लीग को स्टार्ट किया गया था। यह नई लीग को ऐसा माना जा रहा था कि ये लीग ना इंडियन हॉकी की सिनेरियो को पूरी तरीके से चेंज करने वाले थे। हमने जो पिछले 10-20 सालों में जितना हमने लो परफॉर्मेंस किया था ना, वो चीज को हॉकी इंडिया लीग सुधर सकते थे। एंड बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ हॉकी इंडिया लीग को शुरुआत किया गया था। 2012 में इंडियन हॉकी फेडरेशन एंड निम्बस के साथ मिलकर एक वर्ल्ड सीरीज ऑफ हॉकी का स्टार्ट किया जाता है। एंड आफ्टर जो वर्ल्ड सीरीज ऑफ हॉकी होता है ना, वो बहुत ही सक्सेसफुल एक इवेंट होता है। एंड इसके सक्सेस के चलते ही एंड ऑब्वियसली आईपीएल भी एक इंडिया में इस समय एक रोल मॉडल की तरह था। एंड एवरी स्पोर्ट ना आईपीएल की सक्सेस को रिप्लीकेट करना चाहते थे। एंड इसके साथ साथ एवरीथिंग को देखते हुए 2013 में हॉकी इंडिया लीग को शुरुआत किया जाता है। देन 2013 में फर्स्ट हॉकी इंडिया लीग का हमें सीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें 5 टीम हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, रांची एंड उत्तर प्रदेश की टीम, 5 टीम हमें देखने को मिलता है जो पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट हॉकी इंडिया लीग में। एंड इस हॉकी इंडिया लीग की फर्स्ट सीजन को ना रांची ने वो टाइटल को जीतते हैं। एंड ये जो फर्स्ट सीजन था ना हॉकी इंडिया लीग की, वो इतना भी ज्यादा खराब नहीं था। वो कई मामलों में सबका मानना था कि आने वाले टाइम में हॉकी इंडिया लीग भी इंडिया में एक नेक्स्ट थिंग बन सकते हैं आफ्टर आईपीएल की सक्सेस के बाद। एंड हॉकी का आप देखोगे तो वर्ल्ड में इतना ज्यादा कोई बड़ा लीग नहीं है, जैसे फुटबॉल में हमें देखने को मिलता है, क्रिकेट में हमें देखने को मिलता है, बट हॉकी का इतना बड़ा लीग नहीं है। तो वो शायद एक गैप को ना इंडियन हॉकी फील कर सकते थे, इंडियन हॉकी लीग फील कर सकते थे। एंड फर्स्ट सीजन कंपैरेटिवली सक्सेस ही मैं मानता हूँ, बट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इसके बाद से। 2014 के अगर सीजन को देखोगे, 2014 की सीजन में एक और टीम को ऐड कर दिया था जो था कलिंगा लैंसर्स। एंड इस इनॉग्रल सीजन के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट 5 इनॉग्रल सीजन के बाद क्यों हॉकी इंडिया लीग को बंद कर दिया था, देखिए इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जिसका आंसर मैं नहीं दे सकता। इसका आंसर देने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स सर्कल को, AKS सुजय पुरी को। तो वो अभी बताएंगे कि हॉकी इंडिया लीग ना क्यों स्टॉप हुआ था। जिस तरह का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था, स्पोर्टिंग इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था इस लीग से, वो हुआ भी फॉर श्योर। इंडियन टीम के प्लेयर्स को, इंडियन हॉकी प्लेयर्स को, जूनियर सीनियर सबको एक अच्छा एक्सपोजर मिलने लगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस मिलने लगा, एक अच्छा यूनिट तैयार होने लगा इंडियन हॉकी में धीरे धीरे करके। पर जो फाइनेंशियल एंड और जो फाइनेंशियल मॉड्यूल्स चाहिए थे इस लीग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। पहले 2 सीजन के बाद ही धीरे धीरे करके क्रैक्स दिखने शुरू हो गए। 2 सीजन के बाद ही 2 टीम्स, मुंबई मैजिशियंस और रांची राइनोस, इन दोनों ने पुल आउट कर लिया बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज और ओनरशिप इश्यूज। ये दोनों टीम डिसबैंड कर दी गई। लकीली इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया इमीडिएटली। दबंग मुंबई बनी एक टीम, रांची रेज एक टीम बनी। पर वो जो एक क्रैक्स होते हैं, एक टेंशन की बात होती है, एक धीरे धीरे करके चिंता की बात होती है, वो दिखनी शुरू हो गई थी 2 सीजन के अंदर अंदर ही, एंड दैट इज नेवर गुड। इसी के चलते जो ओरिजिनल प्लान था कि जी 6 टीम से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके 8 टीम तक जाएंगे, वो वहीं धरा का धरा रह गया बिकॉज आप 6 टीमें तो संभाल नहीं पा रहे। 6 टीम में से 2 आपकी 2 सीजन में भाग ली, ठीक है रिप्लेस हो गए, पर उसके बाद आप कैसे 2 और ऐड कर पाओगे, एंड दैट इज नेवर अ लुक्रेटिव डील फॉर एनी बिजनेस ओनरशिप। 2017 सीजन तक तो ये लीग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी थी। 2017 सीजन के एंड में पंजाब वॉरियर्स और दिल्ली वेव राइडर्स दोनों टीम्स की ओनरशिप क्विट करने को रेडी थी। इनफैक्ट पंजाब वॉरियर्स का तो ये भी सोर्सेज ने बताया है कि वो 2017 सीजन भी कैसे तैसे खेल गए, वो चाहते ही थे एक्चुअली खेले। और वहां दूसरी तरफ सहारा ग्रुप के पास 2 टीम्स थी, यूपी विजर्ड्स और रांची रेड्स। इन दोनों में से उनको था कि यार एक ही टीम रखेंगे हम, बिकॉज ऑल ऑफ दिस, इनफैक्ट ऑल 3 टीम्स। अगर आप ये देखो कि 2017 सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर 6 टीम में से 3 टीम्स आपके क्विट करने को रेडी हैं, एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज ओनरशिप के पास, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके पास एक्चुअली कोई प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा था। इनफैक्ट वो सारे डीप लॉसेस में भी थे। जहां पे भी आईपीएल सक्सीड हुआ था कि फ्रेंचाइजीज के लिए, ओनर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए काफी सारा उन्होंने पैसा बनाया था, टू बी वेरी फेयर एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस मॉडल की तरह ही देखोगे आप इसे, वहां पे हॉकी इंडिया लीग काफी हद तक फेल हो चुकी थी। इनफैक्ट कई सोर्सेज ने तो ये भी बताया है कि जो आखिरी सीजन था 2017 वाला सीजन, उसके अंदर जो प्लेयर्स थे, काफी सारे प्लेयर्स को उनकी अपनी पूरी पेमेंट भी नहीं मिली है पूरे सीजन की, एंड दैट इज हाईली अनफॉर्चुनेट। 2018 सीजन के लिए
हॉकी इंडिया लीग को सस्पेंड कर दिया गया और ये बोल गया कि अभी के लिए हमें पता नहीं है कि कब वापस आएंगे, बट वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट। पर वो जो ट्राइंग आर लेवल बेस्ट था उस पे पानी फेर दिया दूसरे फैक्टर ने। FIH ने प्रो लीग करके एक टूर्नामेंट शुरू किया जहां पे इंटरनेशनल टीम्स को लीग में कराना शुरू किया और ये ब्रेन चाइल्ड था नरेंद्र बत्रा का, जो कि काफी डिसग्रेसफुली हॉकी इंडिया से निकाले गए थे, अपनी लीडरशिप पोजीशन से निकाले गए थे। हमने एक पिछले वीडियो में उस बारे में बात भी की थी। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था और उनके इस टूर्नामेंट के चक्कर में, ये टूर्नामेंट था कि 6-6 महीने चलने वाला था साल में और उसके बाद फिर आपके इंटरनेशनल कमिटमेंट, कई बार ओलंपिक, एशियन गेम्स, व्हाटएवर, इन सबको मिला के इंडियन लीग के लिए, हॉकी इंडिया लीग के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बच रहा था। इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं बच रही थी। जो एक विंडो चाहिए होती है आपको हर टूर्नामेंट को चाहिए होती है, आप बड़े से बड़ी लीग देख लो, दुनिया की कोई भी लीग देख लो, अगर इंटरनेशनल गेम्स के साथ, इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ उसने कोएग्जिस्ट करना है तो उस कैलेंडर में उसको एक विंडो चाहिए फॉर श्योर। ऐसे में ये जो पूरा प्रो लीग वाला शुरू हुआ उसके करके एक लैक ऑफ डेट बहुत मेजर फैक्टर हो गया। उस वजह से कभी भी जो थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन भी हुए, जो इधर उधर स्पॉन्सर्स वगैरह से, ओनर्स वगैरह से बात भी हुई हॉकी इंडिया लीग की, वो वहीं खत्म हो गया बिकॉज डेट्स ही नहीं है आपके पास कुछ टूर्नामेंट कराने के लिए। So now the real question is, क्या हॉकी इंडिया लीग हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है? आज मैं अभी वर्ल्ड स्टेज की हॉकी लीग के थोड़ा सिनेरियो अगर बताऊं ना गाइस, तो देखो आज के दिन जो टीम ओनली हॉकी को खेलती है, जैसे मलेशिया हो गया अपना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोप की टीम्स हो गया, अर्जेंटीना हो गया, एंड जो जो हॉकी मैच के दिन बेहतर है उनके पास ही अपने खुद का एक लीग है। एंड देखो विदाउट लीग आप इंटरनेशनल स्टेज में इतना ज्यादा सक्सेस नहीं कर सकते, दिस इज द रियलिटी। स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स की ग्रास रूट से बेहतर करने के लिए आपको एक लीग का जरूरत तो पड़ता ही है। विदाउट लीग इट इज नॉट पॉसिबल। आज के दिन अगर आप एवरी स्पोर्ट्स को भी देखोगे जो स्पोर्ट्स अभी के टाइम में पॉपुलर है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, उन सब का ना गाइस एक खुद का एक लीग भी होता है। एंड एक लीग में क्या होता है ना, लीग में एक एडवांटेज वो होता है कि एक बिजनेस को स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से देखो प्लेयर्स को भी मनी मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, एंड प्लेयर भी इंकरेजली खेलते हैं, आगे जाते हैं। एंड इन सब के रीजन के पीछे देखो एक लीग का होना बिल्कुल भी जरूरत है। विदाउट लीग इंडिया भी वर्ल्ड स्टेज में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करेगा। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया इतना डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो लीग भी अभी तक भी चल रही है। और उसमें एक बात कहना चाहता हूँ, तो एवरी स्पोर्ट्स में आप देखोगे तो एवरी स्पोर्ट्स में आप ऐसा नजर आता है कि तो लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो तो आपको पता है, बट इसके साथ साथ लीग के बीच में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो अभी के टाइम में आप शायद एक दो भी नाम नहीं ले सकते हो कि वर्ल्ड में कोई और लीग आउटसाइड ऑफ इंडिया कोई और लीग, और हॉकी इंडिया लीग से सिमिलर और लीग का आप नाम भी बता नहीं सकते हो। बट मीनवाइल आप फुटबॉल के साथ, क्रिकेट के साथ आप बहुत सारे लीग बता सकते हो, IPL, BBL, PSL, BBL एक्सेट्रा, एंड फुटबॉल के साथ भी सिमिलर है, देयर इज ISL, देयर इज अ प्रीमियर लीग, देयर इज अ ला लीगा। बट हॉकी के साथ ऐसा नहीं है। हॉकी की मैं भी एक दो ही लीग को जानता हूँ, इंग्लैंड हॉकी लीग, देन इंडिया हॉकी लीग। बट इस चीज को एड्रेस करना चाहिए, यानी एक लीग का जो एवरी स्पोर्ट्स में नजर आता है वो हमें करना चाहिए। तो सवाल तो ये बनता है कि क्या ये लीग वापस आ सकते हैं? जैसा सुजय भाई ने कहा था कि जो विंडो है विंडो का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देयर इज अ प्रो लीग होता है, देयर इज अ हॉकी वर्ल्ड कप होता है, ओलंपिक गेम्स में होता है, एशियन गेम्स में होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में होता है, तो बहुत तरीके से ना गाइस जो टूर्नामेंट की वजह से जो क्लियर विंडो है वो लीग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो 2024 में, तो इसी साल ये लीग वापस आ सकते हैं। देखो रिसेंट एक रिपोर्ट आया था कि 2024 में हॉकी इंडिया लीग वापस आ सकते हैं, और आपको पता है 2024 में ओलंपिक है, तो हॉकी में ना गाइस ओलंपिक का जो टूर्नामेंट होता है वो सबसे बिगर माना जाता है, इनफैक्ट वर्ल्ड कप से भी बिगर माना जाता है, तो ऑब्वियसली इसी साल तो नहीं होगा, एक कंफर्म आप लीग के ले लो। 2025 में फर्स्ट क्वार्टर में हमें नजर आ सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में, फिर जनवरी या फिर फरवरी में ही हमें हॉकी इंडिया लीग का शुरुआत होते हुए देखने को मिल सकता है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट ने ये चीज को साबित भी किया है कि 2025 में जनवरी से हॉकी इंडिया लीग हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें 6 टीम से बढ़कर 8 टीम हमें नजर आ सकते हैं। यानी ये टीम कौन सी होंगी अभी तक तो नहीं पता है, ओल्ड 6 टीम आर स्टैंड बाय, क्योंकि जो पंजाब वॉरियर्स है, दिल्ली है, देन उत्तर प्रदेश विजर्ड्स है, रांची रेस है, कलिंग लेंसर्स है, देन दबंग मुंबई है, वो 6 टीम तो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा 2 न्यू टीम को ऐड करेंगे, तो 2 न्यू टीम हो सकते हैं कि साउथ से एक टीम आ सकते हैं, क्योंकि साउथ से कोई भी टीम नहीं है, साउथ से एक दो टीम आ सकते हैं। एंड इसी तरीके से मेरे हिसाब से 2 टीम इधर बन सकते हैं, टोटल 8 टीम मेंस के लिए होंगे एंड 6 टीम होंगे वुमेन्स के लिए। तो 2025 में हॉकी इंडिया लीग दोबारा से स्टार्ट होंगे, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉकी इंडियन लीग, इंडियन हॉकी के लिए, इंडियन हॉकी के फ्यूचर के लिए,
तो आप क्या सोचते हो हॉकी इंडिया लीग के बारे में, नीचे कमेंट पे बता सकते हो, अपने ओपिनियन रख सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सुजय भैया। तो सुजय भैया के चैनल को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।